गाना बना हुआ है। और मैम क्या बताते हैं कि कैसा, मतलब क्या एक्सपीरियंस है अनुराग साथ में काम करने का? चांदी के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है काम करके, मज़ा आता है। मेरे अच्छे दोस्त हैं काफ़ी सालों से, जो भी फिल्में करते रहते हैं, म्यूज़िक वीडियो वगैरह करते रहते हैं, सब में मैं काम करता रहता हूँ उनके साथ में, और अच्छा लगता है काम कर। अभी फिल्म का कर रहे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी गाना बहुत अच्छा है, आएगा तो सबको सुनने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। सिचुएशन कैसे गाने का? सिचुएशन एक आइटम टाइप का, जो सब आज का जो चल रहा है आइटम टाइप का, जो मस्ती टाइप का गाना है उस टाइप का। और फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं इसके अलावा? कुछ फिल्में आने वाली है, कुछ फिल्में आई है मेरी, तो आई है वो तो मुजफ्फरनगर, अभी जो लेटेस्ट आई थी मेरी फिल्म मुजफ्फरनगर, कुछ और फिल्में पहले भी आई थी अफरा तफरी वगैरह, तो वो सब चलता रहता है, छोटा मोटा काम बस चल रहा है। राम इधर करना, भगवान हर जगह है। मैं चाय भी ले जाऊँ, सरस्वती की भी और आप सबको धन्यवाद, सबको मिठाई खिलाओ, सबको मिठाई खिलाइए, आपको सबको शुभकामनाएं सर। रोल पटक पटक रहा है यही तो छपे सिंगर रानी रानी शर्मा। आज मैं यहाँ पे एक गाना गाने आई हूँ, दैट्स अ आइटम सॉन्ग, और द मूवी का नाम है आई एम नॉट अ प्लेयर। तो म्यूज़िक दिया है राहुल भट्ट ने जी। बहुत अच्छा गाना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने को, मतलब गाने के लिए। तो आइटम सॉन्ग जो होता है काफ़ी तड़क भड़क होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई होता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से एनर्जी लेवल को मेंटेन करते सिंगर के तौर पर? गाने मेरे हिसाब से एज ए सिंगर मैं बोलूँगी सर, जितने टाइप के गाने होते हैं, जैसे रोमांटिक सॉन्ग है, सेडक्टिव टाइप ऑफ सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है, सब इट्स अ बहुत अच्छे सेक्शंस ऑफ द सॉन्ग जो हमारे इंडियन मूवीज़ में यूज़ होते हैं,
आइटम सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है अभी, बिकॉज व्यूअर्स लिसनर्स बहुत सुनना, उसमें थी रखना, क्लब डिस्क सब में बहुत पसंद करते हैं। तो कुछ बताइए पास्ट पीरियड के बारे में, जो आपने किया है और जो फ्यूचर पीरियड कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कि क्या किया है। हाँ, करने वाले हैं आप? मेरा टी सीरीज से एक मूवी आई थी लव शॉप प्यार व्यार, उसमें मैंने और कुणाल गांजावला जी ने गाए हैं। द सॉन्ग इज़ वेरी नाइस और सॉन्ग का नाम है जिसम। इस गाने ने यूट्यूब व्यूअर्स जो है 60 almost across 70 million व्यूज़, यूट्यूब व्यूज़। इट्स मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा फीलिंग है एंड रियली आई एम गेटिंग सो मच हैप्पी। और आगे भी इस तरीके का बहुत अच्छे अच्छे गाने गाऊंगी, बस यही प्रार्थना है। देखिए स्वामी ओम जी बाबा तो रियली मीडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कुछ ना कुछ हथकंडे जो है करते रहते हैं, समथिंग कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं उनके, कभी मार पिटाई होती है उनकी, कभी कुछ बोल देते हैं समथिंग, तो वो तो मीडिया में एनी टाइम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसके ऊपर आपने गाना गाया था, उसका क्या रिएक्शन? गाना बहुत ने बहुत पसंद किया, उसमें बहुत फनी से बहुत लोगों के बहुत रिएक्शन आए, बहुत ने बोला आपने ओम जी बाबा के ऊपर आपने गाना गा दिया, और मैं तो एज ए सिंगर उस गाने को निभा ही हूँ एंड रियली गा के भी बहुत मज़ा आया मुझे, रियली बहुत फनी सॉन्ग था एंड रियली इट्स वेरी ऑसम। ओम जी बाबा का अभी मैं बिल्कुल, ओम जी बाबा के बिल्कुल फनी वाला जोन में मैं हूँ नहीं, अभी मैं आइटम सॉन्ग के जोन में हूँ। ये मूवी आई एम नॉट अ प्लेयर और ये अनिल तनेजा जी प्रोड्यूसर हैं और चांद मेहता जी इनके डायरेक्टर, तो आई एम ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है एंड वेरी बहुत अच्छा फीलिंग है कि मैं आइटम सॉन्ग इसमें गाने जा रही हूँ। थैंक्स मैम।